से अधिक कमरे वालों को नहीं मिलेगा राशन कार्ड। खबर है सारवा से। प्रखंड कार्यालय सभागार में प्रखंड कृषि पदाधिकारी विजय कुमार देव की अध्यक्षता में सोमवार को खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। राशन कार्ड से वंचित गरीब अर्हता पूर्व करने वाले लोगों को सूची में कैसे शामिल किया जाना है, इस पर विचार विमर्श और गाइडलाइंस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए झारखंड सरकार द्वारा इस योजना में वंचित लोगों को जोड़ने का निर्णय लिया गया तथा इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किया गया। आवेदक सरकारी नौकरी में ना हो, कहीं से पेंशन ना लेता हो, चार पहिया या इससे अधिक पहिया वाला वाहन नहीं हो, दो कमरे से अधिक पक्का का मकान नहीं हो, इसमें 40% दिव्यांग, भिखारी, झाड़ूदार, कूड़ा कचरा उठाने वाले तथा ठेला चलाने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। अवैध देसी शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई। खबर है देवघर से। एसपी के निर्देश पर रविवार की रात जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में अवैध देसी शराब कारोबारियों के खिलाफ व्यापक पैमाने पर अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न थाना क्षेत्र से सैकड़ों लीटर अवैध देसी शराब बरामद किया गया। ये अभियान नगर कुंडा, जसीडी, मोहनपुर, रिखिया, देवीपुर, सारवा और सोना राय ठाडी थाना क्षेत्र में चलाया गया। सदर अनुमंडल क्षेत्र में ये अभियान एसडीओ विकास चंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में चलाया गया। थाना प्रभारी और पुलिस पदाधिकारियों के साथ सशस्त्र बल की विशेष टीम गठित की गई थी। अधिकांश जब्त शराब नष्ट कर दिया गया। पुलिस के इस अभियान से अवैध देसी शराब के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे के कारण प्रश्नकाल की कार्यवाही रही बाधित। खबर है झारखंड से। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे और आखिरी दिन सदन में हंगामा। विधायक दीपिका सिंह किसान विरोधी बिल के खिलाफ ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंची। सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने किसान विरोधी बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्ती लेकर झामुमो और कांग्रेस के विधायकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया। बोकारो से भाजपा विधायक विरंची नारायण ने राज्य में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का मामला सदन में उठाया। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने ट्विस्ट किया है कि झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। उन्हें उम्मीद है कि सभी सदस्य सदन को चलाने में उनका सहयोग करेंगे। योग ध्यान और सत्संग से ही दूर होगा तनाव। खबर है देवघर से। इंद्र हिल क्लब देवघर की ओर से सोमवार को अध्यक्ष अर्जुन बैंकर की अध्यक्षता में भावपूर्वक सत्संग का आयोजन किया गया। कहा कि इस कोरोना काल में तनाव से भरे मन का विचलित होती भावनाओं को ध्यान, ज्ञान और सत्संग से शांत किया जा सकता है। ठाकुर गंगटी में बागवानी सखी मित्रों को पौधे रख रखाव का परीक्षण। खबर है ठाकुर गंगटी से। प्रखंड कार्यालय परिसर में सोमवार को परीक्षक आदित्य कुमार ने प्रखंड क्षेत्र के सभी 16 पंचायतों के बागवानी सखी मित्रों को एक दिवसीय परीक्षण दिया। परीक्षक ने बताया कि प्रति एकड़ बागवान में 6 से 6 जलकुंड का निर्माण जल्द से जल्द कर दे। बताया कि जिस जमीन मालिकों की जमीन में बागवानी लगाई गई है, उन लोगों का समूह गठन करें। गांव, टोले, मोहल्ले और बागीर गांव और बगल में मोजा के किसानों एवं जमीन मालिकों को एकत्रित कर 10 से 15 की संख्या में पंजीकृत करते हुए समूह का गठन करें। पौधे के निकट आगामी नवंबर माह एवं आगामी वर्ष 2021 के फरवरी माह के बारी बारी में के समय पर दवाई का छिड़काव करना है। साथ ही साथ पौधे की निकोरी, कोराई और भराई भी तकनीकी जानकारी दी है। पौधे में एक स्टेट भी लगाए ताकि तेज हवा चलने पर भी पौधा झुके नहीं और पौधे को नुकसान न हो। प्रखंड के कुछ 66 एकड़ जमीन में बगानी की गई है। परेशानी बयां पर लद्दाख से श्रमिकों को काम से निकाला। मेहरमा सिघाटी और कस्बा गांव से प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लद्दाख गए श्रमिकों द्वारा अपने साथ वहां हो रहे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण के बारे में मेहरमा वीडियो से शिकायत करने तथा वीडियो में मामला उजागर होने के बाद कंपनी के लोगों द्वारा सोमवार से श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया। इस कारण श्रमिकों की परेशानी बढ़ गई है। मेहरमा के
सिघाटी गांव के श्रमिकों सुमन कुमार ने फोन पर बताया कि कंपनी के लोगों को जब यह जानकारी मिली कि श्रमिकों के द्वारा हो रही कठिनाई के बारे में महरमा के प्रखंड किसान पदाधिकारी को हस्ताक्षर युक्त आवेदन भेजा गया, साथ ही मामले को मीडियों में उजागर किया गया है। इसके बाद कंपनी के लोग नाराज होकर उन लोगों को काम से निकाल दिया, साथ ही वापस घर भेजने के लिए भी कई सुविधा नहीं दी जा रही है। शौचालय निर्माण में अनियमितता को ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। खबर है हनवारा से। महाग्राम प्रखंड मुख्यालय स्थित ग्राम पंचायत परसा में स्वच्छ भारत मिशन के अधिस्थित स्वस्थ उपकेंद्र परसा में 3 लाख रुपए के लागत से सामुदायिक शौचालय के निर्माण में घोर अनियमितता बरसी जा रही है। चिमनी मिट्टी के बदले बंगला ईंट का प्रयोग धजले से किया जा रहा है, साथ ही साथ निर्माण कार्य में पिलर भी नहीं दी गई है। सामुदायिक शौचालय का कार्य आधा से अधिक हो गया है, लेकिन निर्माण कार्य करा कर ठेकेदारों द्वारा सभी निर्देशकों को ताक पर रखकर कार्य के अंजाम दिया जा रहा है। ग्रामीण ने घटिया निर्माण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, साथ ही इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग जिला प्रशासन से की गई है। खबर है पाकुड़ से। ऑनलाइन होगा पारिवारिक विवादों का निपटारा। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कुटुंब न्यायालय में लंबित वादों के निष्पादन के लिए न्याय सदन में सोमवार को 5 दिवसीय ऑनलाइन विशेष मध्यस्थता अभियान शुरू हुआ। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकारी के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसमें मध्यस्थ अधिवक्ता समीर कुमार मिश्रा, नकीबुद्दीन शेख व अम्बोज कुमार वर्मा मौजूद थे। पहले दिन कुटुंब न्यायालय में पारिवारिक विवादों से संबंधित 12 अभिलेख प्रस्तुत किए गए। इसमें एक भी मामले का समझौता नहीं हो पाया। कृषि सुधार विधेयक से किसानों की आय होगी दुगनी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मिस फिका हसन ने कृषि सुधार विधेयक को मंजूरी मिलने की सराहना की है। कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में विकास का नया इतिहास लिखा जाएगा। इससे न केवल देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि किसानों की आय को दुगनी करने की दिशा में भी प्रभावी होगा। भाजपा जिला कार्यालय में सोमवार को पत्रकार सम्मेलन के दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्वामीनाथ कमेटी की सिफारिश को आधार बनाकर कृषि सुधार कानून लाया गया। खबर है साहेबगंज से। खुशखबरी, मनिहारी साहेबगंज गंगा नदी पर पुल और फोरलेन बनने से सूबे के सभी शहरों के साथ होगा सीधा संपर्क। मनिहारी साहेबगंज गंगा नदी पर पुल और फोरलेन बनने से सूबे के सभी शहरों के साथ होगा सीधा संपर्क। मनिहारी साहेबगंज जिलेवासियों की मांग आज पूरी हो रही है। इस योजना से एक राज्य से दूसरे राज्य सीधे जुड़ जाएंगे। राज्य की सरकार हमेशा विकास के लिए एक दूसरे को जोड़ने का कार्य किया है। मनिहारी साहेबगंज गंगा नदी पर पुल निर्माण और फोरलेन सड़क का निर्माण से जहां आगमन सुलभ होगा, वहीं बिहार के सभी शहरों के साथ सड़क संपर्क होगा। राज्य सरकार पुलों के निर्माण पर विशेष ध्यान देती है। कनेक्टिविटी को टुकड़ों में नहीं सोचकर संपूर्णता में सोचना होगा, तभी देश का समुचित विकास होगा। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटिहार नारायणपुर फोरलेन निर्माण साहेबगंज से। साहेबगंज मानव तस्करी गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, 9 बच्चियां सकुशल बरामद। झारखंड में साहेबगंज जिला पुलिस ने मानव तस्करी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर 9 बालिग बच्चियों को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस अध्यक्ष अनुरंजन किस्टोपट्टा सोमवार को यहां संवाददाता सम्मेलन बताया कि जिले के बरहेट थाना क्षेत्र में लोगाए गांव निवासी किशन मारंडी ने लिखित सूचना दी थी कि उनकी पुत्री एवं उनके साथ गाँव के अन्य 6 लड़कियों को मोती पहाड़ी गाँव का रहने वाला फूल किस्को और उनका पति इजामुद्दीन अंसारी मजदूरी कराने के लिए बहला फुसला कर दिल्ली ले जाने के लिए गांव ले गया। सभी बच्चियों के परिजनों ने 6,000 रुपये महीने देने का प्रलोभन दिया गया है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए बोले कि कृषि विधेयक के बारे में फैलाए जा रहे झूठ से सावधान रहे। यह विधेयक ना तो MSP समाप्त कर रहा है और ना ही इससे मंडी व्यवस्था पर कोई फर्क पड़ेगा। यह किसान को अधिक आज़ादी व आय में वृद्धि सुनिश्चित करने वाला बिल है। भ्रामक तथ्यों पर ना जाएं और सत्य को पहचाने। रेल परियोजना की उम्मीदों पर फिरा पानी, कोरोना की वजह से कार्य में लगा ब्रेक। पोड़ियाहाट गोड्डा के बीच 6 किलोमीटर का काम शेष। इस पर गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बोले कि पोड़ियाहाट गोड्डा रेल लाइन का काम जल्द से जल्द शुरू कराने का प्रयास किया जा रहा है और ये पूरे गोड्डा संसदीय क्षेत्र का सपना है। खबर है दुमका से। जनता से किए वादे भूल गई सरकार।
झारखंड सरकार की विफलता एवं आगामी उपचुनाव में जीत को लेकर सोमवार एवं पूर्व समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी ने मसलिया प्रखंड क्षेत्र में बस की डीहा पंचायत अंतर्गत घुरमंदी एवं जबका बांका गांव का दौरा किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता सह ग्रामीणों के साथ मिलकर आगामी उपचुनाव को लेकर चर्चा की। कहा कि सरकार गठन के बाद से ही निष्क्रिय है। झारखंड सरकार चुनाव से पूर्व मतदाता से किए गए वादे को भूल चुकी है, जिससे मतदाता अपने को ठगा महसूस कर रहा है। सरकारी अमीन महताब अंसारी समेत शिव दुर्गा माइनिंग प्रोजेक्ट के लीज धारक की ओर से ही एक अमीन शामिल होकर क्षेत्र की मापी की गई, जमीन को चिन्हित करके एवं उपरांत खनन किए गए क्षेत्र को भी अलग से मापी हुई। पाया गया कि शिव दुर्गा माइनिंग प्रोजेक्ट ने भगवती ट्रेडर्स की लीज जमीन का अतिक्रमण कर खनन किया है। खनन पदाधिकारी राजा राम प्रसाद ने बताया कि अवैध खनन की मापी की गई, कुल क्षेत्रफल निकाल कर भगवती ट्रेडर्स के द्वारा दिए गए टैक्स को घटाकर बाकी खनन का मूल शिव दुर्गा ट्रेडर्स प्रोजेक्ट से वसूला जाएगा। दोनों लीज धारक की जमीन की मापी की गई। डीएमओ ने कहा कि अभी जांच चल रही है, कुछ भी बताना संभव नहीं है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।